गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल सेशन 2021-22। माय नेम इज सर्वी भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 मैथ्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2। इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 विच इज़ रिलेटेड टू इफ वी आर गिवन द वेरिएबल्स इन बोथ साइड, जब हमें दोनों साइड ही वेरिएबल दे रखे हों। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक साइड थे सिर्फ। अगर हमें दोनों साइड वेरिएबल दे रखे हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट भी चेक करना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन में रिजल्ट चेक करना बता दूंगी, बाकी क्वेश्चन में आप अपने आप चेक करना रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसमें दोनों तरफ है, दोनों तरफ है तो क्या करना है, 3x को इधर ही छोड़ दो, वेरिएबल्स को हम एक साइड रखते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रखते हैं, तो 2x को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, आके माइनस का हो गया। तो x की 3x में से 2x माइनस किया तो क्या बचा, 1x बचा इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 18। अब आंसर कैसे चेक करेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसे, चेक द रिजल्ट। रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, 3 × 18, अब ये बराबर आना चाहिए 2 × 18 प्लस 18 के, तो 18 × 3 = 54 और इधर 18 × 2 = 36 प्लस 18, तो इधर तो 54 हमारा LHS में आ गया और इधर RHS में 18 और 36 को हम ऐड कर दें तो 54 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। दोनों साइड इक्वल आ गई, रिजल्ट चेक हो गया, आंसर हमारा सही है। अब आया क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। चलिए सॉल्व करते हैं, टी को एक साइड रख लेते हैं, इधर 5t, 3t को इधर लेके आए तो इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 3t हो गया। अभी इधर माइनस का 5 है, इसे माइनस का 5 रहते हैं, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3। इधर क्या बचा, 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2t इक्वल टू माइनस का 5 है प्लस का 3 है तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा। इधर मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 का डिवाइड माइनस टू में देंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। 2 का डिवाइड इसमें -2 में कितनी बार जाएगा, -1 बार जाएगा। अब आंसर आप लोग खुद पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा है। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x। सॉल्व करते हैं इसे, x को इधर लेके आ जाए 2x, इधर माइनस का x है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, और इधर 14 तो यही रह जाएगा, और इधर क्या है, माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2x और 1x कितना हुआ, 3x इक्वल टू 14 और 1 = 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15/3, और 15 में 3 का डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू आ गई 5। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कौन सा करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर आप लोगों को चेक करना है, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप छोड़ दो। 8x + 4 इक्वल टू 3 × x - 1 प्लस 7। चलिए सॉल्व करते हैं, 8x + 4, पहले इसे सॉल्व कर लें, इक्वल टू 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 7। अब x को एक तरफ रख लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रख लेते हैं, 8x तो इधर है ही है, 3 को इधर लेके आए तो -3 हो गया, -3x हो गया। अब इधर -3 ऑलरेडी है, प्लस का 7 ऑलरेडी है, अब 4 को उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इधर कितना बचा, 8 में से 3 माइनस किए तो 5x इक्वल टू माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, टोटल कितना हुआ,
माइनस का सेवन, माइनस का सेवन और प्लस का सेवन, तो फाइव एक्स इक्वल टू माइनस के सेवन प्लस के सेवन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा, ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, ज़ीरो अपॉन फाइव या फिर ज़ीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर सेवन करें, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस टेन, एक्स इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस टेन। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करें फोर अपॉन फाइव को, कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू इधर फोर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो फोर एक्स अपॉन फाइव हो गया, प्लस टेन से मल्टीप्लाई किया तो फोर्टी अपॉन फाइव हो गया। तो अब इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, x माइनस फोर एक्स अपॉन फाइव हो गया इक्वल टू फोर्टी अपॉन फाइव। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव एट ज़ा फोर्टी, तो x माइनस फोर एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू एट। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए फाइव, इसको वन लिख दिया अपॉन में, तो ये 5x हो गया माइनस 4x इक्वल टू 8। इधर कितना बचा, x बचा सिर्फ अपॉन 5 इक्वल टू 8। अब इधर डिवाइड में है तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8 फाइव ज़ा 40, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। x वालों को एक साइड रख लेते हैं, वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रख लेते हैं, ये 2x अपॉन 3 है। अब 7x अपॉन 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 7x अपॉन 15, प्लस का 3 है और इधर ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लें इधर, एलसीएम क्या आया, 15, थ्री फाइव ज़ा 15 होते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, तो इधर 7x ही आ जाएगा, इधर आया 2, तो कितना बचा, 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब 15 को इधर लेके जाएंगे, इधर डिवाइड में था तो उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x कितना आया, 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 अपॉन 3 इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्वेश्चन नंबर 9, 2y इक्वल टू 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। ओके, तो y y को एक साथ रख लेते हैं, इधर 2y, इधर माइनस का y था तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस y हो गया, इधर 26 अपॉन 3 था तो, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये 3y हो गया टोटल इनका इसको एलसीएम लेके करते हैं, 3 तो है ही है, 26 माइनस 5 हो गया, तो 3y इक्वल टू 21 अपॉन 3, तो 3y इक्वल टू 3 7 21 होते हैं, तो क्या बचा इधर 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 को इधर लेके जाना ही मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा 7 अपॉन 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 अपॉन 3। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, m को इधर लेके जाएं, 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। अब माइनस का m ज़्यादा है, प्लस का m कम है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का ही, माइनस का 2m आ गया, इधर माइनस 8 अपॉन 5। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है, तो क्या बचा, 2m इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब इधर 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, m इक्वल टू 8 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1। अब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं हम, साइन चेंज करके नंबर को फ्लिप कर देते हैं,
एट अपॉन फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉन टू, तो m की वैल्यू क्या आ गई, एट अपॉन फाइव टू ज़ा टेन हो गया। तो हम इसे अगर और सॉल्व करें तो टू से काट देते हैं, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन, तो m की वैल्यू क्या आ गई, फोर बाय फाइव। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।